हेलो एवरीवन वेलकम बैक अगेन बेटा तो तो कहिए कैसे हो आप सब तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर ट्वेंटी क्लास सेवेंथ मैथमेटिक्स की वर्कशीट है इसमें हमने पढ़ना है डेसिमल नंबर सिस्टम किसमें एक्सपोनेंट और पावर्स में तो बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पावर टेन की पावर की फॉर्म में आप उस क्वेश्चन को लिखोगे और एक्सपेंडेड करने का मतलब क्या है उसको ओपन करके लिखना है अब देखो ओपन करके लिखने का मतलब अभी समझ आएगा जब आप इसको क्वेश्चन को करोगे तो ध्यान से देखना बेटा पहला क्वेश्चन क्या है टू सेवन नाइन फोर जीरो फोर पहली डिजिट उठाओ लेफ्ट से क्या है टू मल्टीप्लाई वन लिख के कितनी डिजिट है ये देखो एक दो तीन चार 5 5 जीरो एक दो तीन चार 5 जमा सात गुना अब अगली डिजिट उठाई कितनी डिजिट है चार एक दो तीन चार अगली डिजिट उठाई कितनी डिजिट है उसके पीछे तीन तो तीन जीरो ठीक है अगली डिजिट उठाई कितनी डिजिट है दो ठीक है अगली डिजिट उठाई कितनी डिजिट है एक सॉरी जीरो ठीक है एक फिर उसके बाद चार चार के पीछे एक भी नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं इसको कैसे लिख सकती हूं टू इन टू टेन की पावर कितनी एक दो तीन चार पांच दस की पावर पांच यहाँ पे सात गुना दस की पावर चार यहाँ पे नौ गुना दस की पावर तीन यहाँ पे चार गुना दस की पावर दो ठीक है अब चार जीरो गुना दस की पावर एक और चार गुना दस की पावर जीरो तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म क्या ये एक्सपेंडेड फॉर्म अब मेरे को क्या लिखनी है स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में बस आपने एक काम करना है दो सात नौ चार जीरो चार जो नंबर दिया हुआ है ना पीछे से लेफ्ट हैंड साइड चलो सिर्फ एक डिजिट छोड़नी है अकाउंट किए बिना एक दो तीन चार पांच यहां क्या लगा दो दशमलव अब ये देखो कितने दशमलव जितना आप लेफ्ट साइड जाते हो ना बेटा उतनी पावर बनेगी एक दो तीन चार पांच पांच गए तो गुना दस की पावर पांच लेफ्ट हैंड साइड गए तो पावर प्लस में आएंगी ये आपकी क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर अब आ जाओ अगले पे सेकेंड पार्ट में तीन जीरो जीरो छ एक नौ चार अगर इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखूंगी तो एक्सपेंडेड फॉर्म डायरेक्ट अब हम लिखेंगे बिना टाइम वेस्ट किए तीन गुना ठीक है दस की पावर कितनी एक दो तीन चार पाँच छ दस की पावर छ जीरो गुना दस की पावर पांच अगला नंबर क्या है जमा जीरो गुना दस की पावर पांच सॉरी पाँच हो चुका है तो यहां पे चार छः गुना दस की पावर तीन एक गुना दस की पावर दो ठीक है नौ गुना दस की पावर एक और जमा यहाँ पे जमा आएगा बेटे ठीक है और यहां पे कितना आ जाएगा जमा चार गुना दस की पावर सीरो क्लियर अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी क्या लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म कितनी आ जाएगी देखो तीन, एक दो तीन चार पांच मैंने क्या बोला पीछे से काउंट करो एक दो तीन चार पांच छः एक डिजिट छोड़ दो बस इतना आगे आए हो कितना लेफ्ट हैंड साइड आए हो छह डिजिट आगे आए हो तो दस की पावर ये आपकी क्या हो जाएगी स्टैंडर्ड फोम ठीक है अब अगले पे आ जाओ एक्सपेंडेड फोन बारह जीरो सात एक नौ पहली डिजिट एक गुना एक दो तीन चार पांच दस की पावर पांच अब आपने देखना नहीं है बस लिखते चलो दो गुना दस की पावर चार जीरो गुना दस की पावर तीन जमा यहाँ पे सात गुना दस की पावर दो जमा एक गुना दस की पावर एक जमा नौ गुना दस की पावर जीरो क्लियर ठीक है अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं लिखू स्टैंडर्ड फॉर्म अगर इसकी लिखू बारह ठीक है पीछे से डिजिट काउंट करो एक दो तीन चार पाँच छः यहाँ दशमलव लग जाएगा डेसिमल लग जाएगा और दस की पावर कितनी आ गई थ्री फोर फाइव तो टेन तो दी पावर फाइव दिस इज फॉर्म नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट फोर्थ पार्ट टू एट जीरो सिक्स वन नाइन सिक्स ठीक है तो टू इंटू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो टेन डेज तो दी पावर सिक्स अग प्लस अगला नंबर क्या 8. 8 10 तो दी पावर फाइव प्लस जीरो इंटू टेन डेज दी पावर फोर प्लस सिक्स इंटू टेन डेज दी पावर थ्री प्लस वन इंटू टेन डेवर टू प्लस अगली डिजिट क्या है नाइन नाइन इंटू टेन पावर वन अगली डिजिट क्या है 6. 6 into 10 raise to the power 0. तो ये आपका क्या आ गया आंसर ठीक है इफ यू किस किसमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो एक डिजिट छोड़ दो एक दो तीन चार पांच छः सात तो कितना आ जाएगा टू पॉइंट एट जीरो सिक्स नाइन वन सिक्स इंटू टेन डेज टू पावर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स ये आपकी क्या हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एक्सपेंडेड फॉर्म की बात कर रही हूँ एक्सपेंडेड यानी कि ओपन करना देखो कैसे लिखोगे एक्सपेंडेड फॉर्म डबल टू टू डबल जीरो सिक्स एट देखो यहाँ पे तो कितना बन जाएगा टू इंटू वन टू थ्री फोर टेन डेज टू फोर प्लस जीरो इंटू टेन डेज सुधी पावर थ्री प्लस जीरो इंटू टेन डेज सुधी पावर टू प्लस सिक्स इंटू टेन डेज सुधी पावर वन प्लस एट इंटू टेन डेज सुधी पावर जीरो क्लियर न मूव टू आवर स्टैंडर्ड फोम स्टैंडर्ड फोम में क्या करना है डिजिट काउंट करो वन टू थ्री फोर तो टू पॉइंट जीरो जीरो सिक्स एट इंटू टेन डेज सुधी पॉवर फोर फोर इज यर स्टैंडर्ड फो क्लियर अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपने सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो देखो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट थ्री पॉइंट जीरो लिखने की जरूरत नहीं है इन टू टेन डेज टू दावर टू 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 ठीक है तो एट मीटर पर सेकेंड ठीक है आगे आ जाओ डाया ऑफ सन देखो एक डजट छोड़नी है वन ट्यू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वन पॉइंट फोर इंटू टेन डेज टू दावर नाइन मीटर क्लियर आगे देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन अगेन नाइन पॉइंट थ्री फाइव थ्री डिजर्ट आपने पूरी लिखनी है जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है टेन डेज टू दी पावर नाइन किलोमीटर क्यूब क्लियर आगे देखो द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून डिस्टेंस दे रखी है तो देखो बेटा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो कितना आ जाएगा थ्री पॉइंट आगे आ जाओ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो वन पॉइंट टू इंटू टेन रेज टू दावर टेन ईयर्स ओल्ड ठीक है तो बेटा ये थी आपकी Worksheet number 20. I hope it is clear to everyone. And if you like it, then please share and subscribe. Thank you so much.